अमीर अहले सुन्नत, आपकी सीरत पे कुछ बोलने का, कुछ लपकुशाई करने का मुझे कहा गया है, तो मैं चाहने एक पहलू अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, अमीर अहले सुन्नत वो कामयाब इंसान है, वो इस वक्त का इमाम है कि क्या बयान करें, सब वाज़े, काम भी दिख रहा है, नाम भी दिख रहा है। तो अमीर अहले सुन्नत की ना मैं आपको एक नायाब बात बताता हूँ, आपकी पूरी ज़िंदगी आप देखना, पूरी ज़िंदगी, पूरी मेहनत, कई इस्लामी भाई अत्तारी भाई नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरे खिल गए अमीर अहले सुन्नत के नाम से, क्योंकि खिलते चेहरे के मुरीद हो तो फिर चेहरा खिल ही जाता है। तो अमीर अहले सुन्नत की ज़िंदगी के ना तीन अलिफ मैं आपको बताता हूँ, कितने, वो तीन अलिफ अमीर अहले सुन्नत की कामयाबी, कामरानी, आपकी रूहानी तरक्की, इतनी बड़ी दावत इस्लामी, इतना बड़ा काम, उन सारी चीज़ों का राज है, तीन अलिफ। सबसे पहली चीज़ है इस्तिकामत। क्या है? अमीर अहले सुन्नत के अंदर इस्तिकामत है, अलिफ से इस्तिकामत। इस्तिकामत मतलब मुस्तकिल मिजाजी, जो काम किया तो फिर वो किया, छोड़ा नहीं है, दाएं बाएं तवज्जा दी नहीं है, किया है तो फिर किया है, इस्तिकामत। दूसरा क्या है? इखलास। क्या है? जो काम किया है अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, यही वजह है कि अल्लाह ने उसमें बरकत को डाल दिया, फिर हज़ारों लाखों करोड़ों चाहने वाले पूरी दुनिया में उनके पीछे हैं। ये कैसे है भाई? ये इखलास की बरकत है, कि जो काम भी किया है उसमें इखलास। तीसरा अलिफ क्या है? तीसरा अलिफ ये है इस्लाह उम्मत, उम्मत का दर्द, कि ये उम्मत का इस्लाह हो जाए। ये इस्लाह उम्मत जो है ना, ये दर्द मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। पहले तो हम ये समझते थे बचपन में कि शायद ये कोई रस्मी सा नारा है, ये स्लोगन है, इसे पुकारना है, इसे लगाना है, लोग बोलते हैं, कोई इसका बैच लगा रहा है, कोई इसका स्टिकर लगा रहा है। लेकिन जब कुरान और हदीस का मुताला किया तो पता चला कि अंबिया की ज़िंदगी का मकसद ही इस्लाह उम्मत था, और उस मकसद को पकड़ के अमीर अहले सुन्नत ने ऐसा थामा है कि बच्चे बच्चे को भी सिखा दिया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश, इस्लाह उम्मत का दर्द, के इस्लाह हो जाए, बस कोई सवर जाए। मुफ्ती साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शेख साद सलीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।